पुराने समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य बहुत ही खुशहाल था। धन धान्य की उसके राज्य में कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया। स्थिति फिर से पहले की तरह सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएँ उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से बहुत परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के मालिक को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह शाम को रूखी सूखी रोटी बनाकर खाता और पेड़ के नीचे बड़े मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगी थी। एक दिन राजा के दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो, साधु बोले। राजा तैयार हो गया। उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, साधु बोले। तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा, राजा ने उत्तर दिया। ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताने के साथ ही प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मस्तिष्क पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए तुम चिंता मुक्त हो। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख ये है कि जीवन में हम चाहे जो भी कार्य करें उसे अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का तरीका है।